विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक वृहद संवैधानिक देश भारत में चुनाव से पूर्व एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विवाद छिड़ गया है। सीबीआई को उसके काम से रोके जाने को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। आप सभी को भारत लाइव के माध्यम से हमने यह जानकारी दी है कि शारदा चिटफंड घोटाले में जब सीबीआई की टीम जांच के लिए कोलकाता पहुंची तो वहां के स्थानीय पुलिस ने, जी हाँ, वहां के स्थानीय पुलिस ने उन्हें घेर लिया और जांच से उन्हें रोकना चाहा। मामला इतना गंभीर हो गया कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारें आमने सामने खड़ी हो गईं। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसे लेकर धरने पर बैठ गईं और पिछले 2 दिनों से लगातार वह धरने पर बैठी हैं। अब इस घटना को लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े गठबंधन यानी कि एनडीए के घटक दल ममता बनर्जी के इस क्रियाकलाप और संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालने वाला मान रहे हैं, वहीं साझा विपक्ष ममता बनर्जी के पक्ष में उनके साथ धरने पर बैठा है। इन सब बातों को लेकर बिहार में भी चर्चाएं गर्म हैं और वह भी क्यों ना, जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव खुद कोलकाता जाकर रैली का समर्थन करते हैं। ऐसे में आरजेडी के सबसे प्रबल विरोधी जेडीयू चुप कैसे बैठ सकते हैं इस मुद्दे पर, जब हमारे गार्जियन और वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्र बाबा ने जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने किस तरह इस पूरी घटना को लेकर तेजस्वी यादव कांग्रेस सहित ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। विपक्ष राजनीतिक संक्रमण का शिकार है। सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था, उससे आप सहमत या असहमत हो, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसके लिए न्यायपालिका भी बनी हुई है। अब माननीय तेजस्वी यादव दागी है, वो अभी जा रहे हैं कलकत्ता, तो क्या माननीय राहुल गांधी जी को आंख दिखाया जा रहा, आईना दिखाया जा रहा है? कि राहुल गांधी जी को यह स्पष्ट करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो ममता बनर्जी जी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। यह महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह पक्ष होता है कि राजनीति में सत्ता आएगा जाएगा, लेकिन देश का संविधान अक्षुण रहेगा। देश के संविधान के मूल्यों के प्रति और विधायिका, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, इसके प्रति सम्मान होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, पश्चिम बंगाल से उठी विनोद की अग्नि की लपटें बिहार तक पहुंच चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के दावे, प्रति दावे, हमले और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। आप जुड़े रहें न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ। हमारे YouTube चैनल भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, तथा हम अपने मित्रों को भी करवा लें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि सभी खबरें आप तक मुफ्त उपलब्ध हो सकें। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।